दोस्तों अगर आपने नेशनल वोटर के पोर्टल से घर बैठे वोटर कार्ड की अप्लाई किए हैं, आपने अप्लाई किए हुए 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपके वोटर कार्ड आपके घर पर नहीं आया और न ही बीएलओ की तरफ से कोई फोन आया, सो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों यहां से सिर्फ वही वोटर कार्ड डाउनलोड होंगे जिस वोटर कार्ड में फोन नंबर पहले से रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि इस पर एक ओटीपी आता है, वही ओटीपी डालते ही डाउनलोड कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको प्रैक्टिकल डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और ओपन करके यहाँ पर NVSP टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आएगा उसी को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा, उसी प्रकार आने देना। कॉर्नर में लॉगिंग रजिस्टर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना दोस्तों। और क्लिक करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको एक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर डोंट हैव अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर आपसे जो जो डिटेल्स मांगेगा वो डिटेल्स को फिल कर देंगे और फिल करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना डिटेल्स देना होता है, नाम और पासवर्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब देना होता है। तो मेरे पास अकाउंट है तो हम यहाँ पर अपना डाल के और लॉगिन इसमें कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से डाल के इसमें लॉगिन करते हैं। यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, पहले यूजर नेम, फिर पासवर्ड, उसके बाद नीचे में दोस्तों कैप्चर शो हो रहा होगा तो कैप्चर को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कैप्चर फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ये जो पहले वाला देख रहे हैं ई एपिक डाउनलोड शो हो रहा है जो कि ग्रीन कलर के आइकॉन में है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको रेफरेंस नंबर से डाउनलोड करना है या एपिक नंबर से, तो हम दोस्तों एपिक नंबर से डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ अपना एपिक नंबर फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये एपिक जो वोटर कार्ड है यहाँ पर आ गया, हमारा नाम शो हो रहा है, हमारा पिताजी का नाम शो हो रहा है और हमारा स्टेट सिलेक्ट शो हो रहा है। दोस्तों अभी ये बोल रहा है OTP के लिए, तो हम यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके थोड़ा वेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे नंबर पर OTP आ गया है, इन्होंने भेज दिया है। तो यहाँ पर उस OTP को मार देंगे दोस्तों, जो OTP उसमें आया होगा 6 अंक का, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। जैसे थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर एक कैप्चर जनरेट होकर आपके सामने आएगा, उस कैप्चर को इस कॉलम में फिल कर देना है। तो चलिए हम फिल करके फिर डाउनलोड एपिक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डाउनलोड एपिक पर क्लिक करोगे दोस्तों थोड़ा सा वेट करने होंगे आपको और यहाँ पर आपको डाउनलोड शो हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एपिक डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शो हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू एपिक हैज़ बीन जनरेटेड। और आपको अब एपिक को एक बार खोल के दिखाते हैं। तो चलिए डाउनलोड में चलते हैं और डाउनलोड में जाके ये PDF फाइल में रहता है तो इसको ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों पहले वाला जो वोटर कार्ड होता था उससे थोड़ा ये अलग है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यही वाला वोटर कार्ड हमारा डाउनलोड हुआ। अगर आपने वोटर कार्ड अप्लाई नहीं किया है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो देखकर वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये पोर्टल सिर्फ 10 से 11 बजे के बीच में ही चालू रहता है, उसके बाद ये पोर्टल काम नहीं करता है, मतलब वोटर कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। लेकिन सिर्फ उसी का ही डाउनलोड होगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया कि जिसके वोटर कार्ड में फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है और जिसके वोटर कार्ड 6 महीने के अंडर में जो अप्लाई हुए हैं सिर्फ वही वोटर कार्ड डाउनलोड होगा। सो गाइस आई होप कि हमारे वीडियो काफ़ी पसंद आया, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।